बात करो कुछ क्या हो गया। मकर का एटीट्यूड लेवल कहाँ तक है? ये रही तुम्हारी चाय, यहाँ रखी। कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही। कुछ अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है भाई? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। 12-13 घंटे की रेस्ट करने के बाद तुम्हारे भाई ने कर ली है अपनी नींद पूरी। अभी भाई चेहरे से नींद के मलबे को हटाना पड़ेगा और मुझे लेना पड़ेगा शावर, और फिर तुम्हारा भाई करता है तुमसे मुलाकात। निकल ले भाई तू। जी गुड मॉर्निंग हाइसम साहेब, गुड मॉर्निंग अजलान साहेब, सुहान साहेब। ब्रेकफास्ट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया है? नाश्ता कर भी लिया आप लोगों ने? तो भाई अभी मैं भी जो है फटाफट कर लेता हूँ नाश्ते की तैयारी। A few moments later, नाश्ते के लिए भाई मैं इतना लेट हो रहा था, मैंने सोचा कि मेरे पे शावर लेने को रहने देते हैं और खाली हाथ मुंह ही धो लेते हैं, क्योंकि राजे और शेर जो है वो कभी कभार ही नहाते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते तुम्हारे भाई ने तेरा हाथ मुंह धो लिया। भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम की तरफ, भाई नाश्ते का ऑर्डर करते हैं। पेट पूजा और बाप नाश्ते दो मुझे यार, भूख बहुत लगी हुई है। अभी मैं जरा कपड़े प्रेस कर लूँ ना यार, फिर 10 मिनट। कपड़े तुम बाद में कर लेना ना यार, पहले नाश्ता तो बना। 10 मिनट लगेंगे ना यार, जल्दी कर लो, फिर जल्दी कर लो। ठीक है, आपको बोल दिया है, अभी मैं करूँगा यहाँ पे उसका इंतजार, कब तक तुम्हारे भाई को मिलता है। 1 hour later, मुझे लगता है भाई उसके लंबे ही काम है, चाय मुझे खुद ही उठ के बनानी पड़ेगी। भाई मेरी काम या मेहनत के बाद चाय तकरीबन तैयार है। क्या बात है सर। अभी 1-2 उबाले आएंगे और मेरा नाश्ता हो जाएगा रेडी। लेट उठने की यही सजा है कि खाली चाय ही मिलेगी मुझे। बैड लक। कभी कभार जो है बीवियों का साथ दे देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बीवियों नहीं, बीवी का साथ दे देना चाहिए कभी कभार, अच्छी आदत होती है। हाय हाय। क्यों ना भाई, मेरे जहन में आई है एक बात, आज मैं करता हूँ रुबाब को फुल टाइम इग्नोर। और बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ उसके बच्चे भी हैं जो 2-3, यानी कि हमारे बच्चे जो हैं उनको भी फुल टाइम किया जाएगा इग्नोर, उनको दिखाया जाएगा कि भाई बकर का एटीट्यूड लेवल कहाँ तक है। आज भाई मजा आने वाला है। लो एक शिकार जड़ा मेरा आ गया। क्या वा? पापा अपनी अभी भी चाय पापा की तैयार हो गई है, अभी मैं आपसे करूंगा बाद में बात। चाहिए अभी आप यहाँ से गो एंड गोन हो जाओ। चलो 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 निकल। एक कप जो है वो रुबाब को दे देंगे और दूसरे कप से हो जाएगा तुम्हारे भाई का प्रैंक शुरू। ये रही तुम्हारी चाय, यहाँ रखी। भाई तुम्हारे भाई का प्रैंक स्टार्ट हो गया, मजेदार। यहाँ पे बैठ के मैं पीऊंगा चाय और रुबाब जो है मुझे पक्का पता थोड़ी देर में वो आएगी और मुझसे बात करना शुरू करेगी, लेकिन मैं भाई अलग ही दुनिया में एटीट्यूड दिखा रहा हूँगा। भाई मुसलसल इंतजार है, वो अभी तक आई नहीं है। सात बेड की चाय नहीं पीनी थी, चाय तक के चले गए। कितनी पीनी चाय? क्या जवाब तो दो। मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, वो ब्राउन पैंट और वो ग्रे। हाँ ना कर दिए ना, चलो ना उठो ना यार, चेंज वगैरह कब करना? खाना बना लिया तुमने? बल्कि अभी तो बनाओगे ना। अभी तो बनाओगे। अच्छा मुझे बताओ तो सही, बाहर से चीजें भी चाहिए फिर? कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही कुछ? नहीं, यहाँ पे सुकून है चाय पीने का, बच्चे भी नजर आते रहेंगे और चाय भी चलती रहेगी। रुबाब को तंग करने के साथ साथ हम अपने काम भी जो है खत्म कर लेते हैं, ये ना हो उसके प्रैंक के चक्कर में हमारे काम पेंडिंग में चले जाए और उल्टा प्रैंक मेरे साथ हो जाए। बात तो सही है, कराची में भाई इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन जब सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडक का शदीद एहसास होता है। तो भाई मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी जैकेट, भाई अल्लाह से दुआ है कि इहदे विच ही मिल जाए, वरना मैंने उत्ते वो 2 सूटकेस भी लाने पैने। कहाँ गई मेरी जैकेट? जैकेट जैकेट नहीं, ये वाली नहीं, पर्पल कलर की है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे? मुझे बताओ ना, मैं निकाल देती हूँ। अरे क्या हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहे यार, तुम जब से उठे हो कुछ तो बोलो, कोई बात से नाराज हो? सवार मुझे पर्पल जैकेट मेरी चाहिए, मुझे मेरा काम करने दो। सही है, मुझे ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए भाई। तो मैं ढूंढ देती हूँ ना पर्पल जैकेट कहाँ है। फिर देखो शोर, इतना शोर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो भाई जैकेट मिले नहीं, अब वो ही यारे लाने पैने मैनू। मैं भी अपना मोबाइल लेके आई। अरे मुझे बताओ तो सही, कर क्या रहे हो? तो मैं कोई नहीं करूंगी, मैं भी अब मोबाइल लेके आई हूँ, मैं भी अब कोई बात नहीं करूंगी, मैं मोबाइल तो लेके आई हूँ। यार क्या इग्नोर किए जा रहे हो, कुछ बोलो तो सही, कुछ किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हुआ है? इसके अंदर भी नहीं है यार, क्या मसला बनाया, कोई बात हो तो कुछ समझ आए ना। देखो फिर ये जो सॉन्ग लगे हुए, ये सॉन्ग बंद कर दो, ये सॉन्ग मैंने, मैं सॉन्ग नहीं हूँ। अच्छा बताओ ना यार क्या हुआ, बताओ बताओ ना क्या हुआ, बताओ भाई। कुछ नहीं हुआ, बताओ ना,
क्या बात है बताओ ना। और भाई लाख कोशिशों के बाद मुझे मेरी जैकेट मिल ही गई। पर्पल नहीं है लेकिन वो फीका सा पर्पल है भाई, मिलता जुलता ही है। ये ब्लैक सूटकेस में पड़ी थी पहले से। टाइम क्या हो रहा है? 9:30। 9:30 हो गई है यार, बहुत तेज हो रहा है। कुछ क्या हो गया? अल्लाह माफ कर, लगता है जल्दी आया। अच्छा अच्छा 9:30 फिर अभी टाइम हो चुका है, चलते हैं। कौन से काम करने वाले हैं अभी? मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि तुम मुझसे किस तरह बात करोगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको आवाज आ रही कहीं से? आपको आवाज आ रही कहीं से? पता नहीं यार ये डबल आवाज सुनाई दे रही है। डबल आवाज सुनाई दे रही है मुझे, जैसे मोबाइल का वो नहीं माइक का स्पीकर खराब हो जाता है। कौन है ये लोग? हंसी तो आई है। मुझे लगता है चुभ रहा है। मुझे कुछ चुभ नहीं रहा यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सुकून से बैठ जाते हैं भाई। बात करो। ये तकियों की बारिश तो नहीं हो रही ऊपर? छत से बारिश कैसे हो सकती है? बात करो मुझसे। बस अब ठीक है, अब मैं भी जा रही हूँ। मैं भी बहुत पक्का वाला पता नहीं ये फंस गया। कहाँ से फजूल आवाजें आए जा रही हैं यार मुझे। भाई हमारा प्रैंक जो है फिलहाल तो बड़ा मजे का चल रहा है। रुबाब भाई जो है गुस्सा करके अभी चले गए, अभी जाके देखते हैं उसको मनाते हैं। ये ना हो कि भाई प्रैंक जो है वो उल्टा पड़ जाए और फिर वो माने ही नहीं भाई। अब आए ना लाइन पे। लेकिन फिलहाल तुम्हारा भाई अभी भी जाके उसको हल्का फुल्का इग्नोर मारेगा, फिर देखेंगे और फिर हम करेंगे आई एम सो सॉरी करके मामला खत्म कर देंगे। कहाँ गई देखते हैं इसको। जो है ये टूट गई, ये मैंने जोड़नी है। बस अभी... बहाने नहीं करो, मुझे पता है मैं नाराजगी का बोल के आई हूँ ना, तो तुम यहाँ पे देखने आए कि क्या कर क्या रही हूँ मैं। मुझे क्या, जो बंदा जो मर्जी करे मुझे इससे क्या परवाह। अच्छा मतलब बात शुरू हो गई है फिर भी हमारी। आवाजें ना मुझे अजीब सी आवाजें, सुबह से अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, पता नहीं क्या है यार। फिलहाल हम अपना काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। वो आज से नहीं पढ़ रही है, वो 8 साल से पढ़ रही है। 8 साल का क्या मतलब है? 8 साल से पहले जो 2 साल थे मैसेज पे बात करते थे, कॉल पे गले शल्ले करते थे, वो मैसेज पे कौन सा आवाज वो भूल गए कि बस पढ़े हो तो यार बात भी कर लो अभी। क्या मैं फिर ज्यादा नाराज हो जाऊंगी? अच्छा पता नहीं किस बात पे नाराज हो, मुझे बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ नाराज किस बात पर? नाराज की कोई नहीं थी, बस मेरे खोपड़े में सुबह ये आया था एक अबली सी एक अब शैतानी मेरे दिमाग में वो प्लान आया था। मैंने बोला था आज सारा दिन तुम्हें इग्नोर करूंगा, तुम्हें भी और बच्चों को भी। लेकिन बच्चों को मैं इग्नोर कर नहीं पाया, लेकिन तुम पे मेरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप बस चलता गया। ये क्या बात हुई है? प्रैंक तो प्रैंक तुम्हें नहीं लग रहा? अभी ये रुबाब ये रोने वाला काम नहीं करना। देखो हटो, नाराज हो गया, इसको मनाना पड़ेगा। अच्छा खैर चलो सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। चलो सारी बातें छोड़ो, अभी देखो प्रैंक अभी खत्म कर रहे हो ना अभी। नहीं देखो मेरा प्रैंक खत्म हो गया ना, अब तुम भी जो मान जाओ। ऐसे मजाजी खुदा के साथ नाराज नहीं होते। नहीं तुमने प्रैंक क्यों किया? क्या प्रैंक इसमें क्या हो गया? ये तो एक अरे कहना क्या चाहते हो? फैमिली लाफिंग थी ना हंसी खुशी के लिए। ज्यादा इग्नोर करने का इग्नोर तुम्हें? अरे 8 साल से झेल रहा हूँ। देखो अभी हंस पड़ी ना अभी। चलो बस सीधे यार प्रैंक मेरा थोड़ा सा रॉन्ग भी हो गया, क्योंकि भाई ये रो पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी इन हरकतों को कैरी ऑन रखूंगा। आज का व्लॉग जो है मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा, और बाप को तंग करके मुझे बड़ा मजा आया। और इन फ्यूचर भी मैं इसको तंग करके भाई तुम लोगों को व्लॉग शेयर करता रहूंगा। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। बड़े भाई को चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक शेयर, बेल आइकन को हिट कर देना और टंटना बजा देना।